हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गया घूमने के बारे में। गया भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है। गया में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बौद्ध को बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। गया पूरे राज्य में सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। यह पटना के दक्षिण से 100 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। गया पर्यटन पहाड़ियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। नंबर एक, महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक अहम स्थान है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को उसी स्थान पर बनाया गया है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह मंदिर गया का मुख्य आकर्षण है। नंबर दो, माँ मंगला गौरी मंदिर। मंगला गौरी मंदिर महाशक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण में मिलता है। हिंदुओं में इस मंदिर में शक्ति का वास माना जाता है। इस मंदिर में उपाशक्ति पीठ भी है जिसे भगवान शिव के शरीर का हिस्सा माना जाता है। नंबर तीन, महान बुद्ध प्रतिमा। 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी महान बुद्ध प्रतिमा भगवान बुद्ध से जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है। यह महान बुद्ध प्रतिमा बोधगया में स्थित है। इस बौद्ध प्रतिमा का उद्घाटन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने 1989 में किया था। नंबर चार, विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर गया का एक आकर्षक स्थल है जो फाल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। यह भगवान विष्णु के पैरों के निशान बने हुए है। यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। नंबर पाँच, आर्कियोलॉजिक म्यूजियम। यह एक छोटा सा संग्रहालय है जिसमें 3 हॉल है। इस संग्रहालय में हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ है। यहाँ पर खुदाई में मिली कुछ अन्य चीजें भी रखी गई है। नंबर छः, वटथाई। वटथाई एक बौद्ध मठ है जिसकी बनावट थाई वास्तुकला के अनुरूप की गई है। यह मठ अन्य मठों से अलग है। यहाँ पर थाईलैंड के लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था प्रदान की जाती है। नंबर सात, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद गया शहर के केंद्र में स्थित है और यह बिहार राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे लगभग 200 साल पहले बनवाया गया था। मुजफ्फरपुर के एक शाही परिवार ने इसका निर्माण करवाया था। नंबर आठ, शाही भूटान मठ। शाही भूटान मठ गया में बना एक बौद्ध मठ है। इस मठ का नाम भूटान मठ इसलिए पड़ा क्योंकि इसे भूटान के राजा ने बनवाया था। इस मठ के अंदर की कलाकृतियां देखने लायक है। नंबर नौ, मूचालिंदा सरोवर। बौद्ध गया के मोचारिम इलाके में बना हुआ मूचालिंदा सरोवर जिसका पौराणिक महत्व है। यहाँ पर सरोवर के बीचों बीच एक बौद्ध की मूर्ति है। नंबर दस, बराबर गुफाएं। बराबर गुफाएं गया से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह गुफाएं अत्यंत प्राचीन है जो हजारों साल पहले पत्थरों को कट करके बनवाई गई थी। वेल दोस्तों, ये तो थी गया के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।